दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार डिजिटल पहल करते हुए आखिरी व्यक्ति की बात सुनी जाए और जमीनी तौर पर कार्यरत आखिरी इकाई को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS को दिल्ली के सभी थाना व वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में लागू किया है। पीएम प्रगति डैशबोर्ड पर दिल्ली पुलिस CCTNS लागू करने में सितंबर 2018 से प्रथम स्थान बनाए हुए है। CCTNS के लागू होने से पहले अपराध एवं अपराधी का रिकॉर्ड हर थाने में लगभग 50 रजिस्टरों में मैन्युअली रखा जाता था और जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दस्तावेज भी हस्तलिखित बनाते थे। नागरिकों को शिकायत एवं जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से चक्कर लगाने पड़ते थे। CCTNS प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के क्राइम, क्रिमिनल एवं अन्य जानकारियों को डिजिटाइज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन संबंधित सभी दस्तावेज अब सीधे CCTNS में ही बनते हैं। ERSS 112 में आने वाली सभी कॉल्स को CCTNS प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम पर सर्वर टाइम स्टैम्पिंग प्रणाली से डेली डायरी बनाई जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित अनट्रेस्ड फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने वाली ऐप व अन्य सभी एप्लीकेशंस के डेटा को भी CCTNS में जोड़कर एक ही डेटाबेस कर दिया गया है। CCTNS को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS के साथ भी जोड़कर थानों से 30,000 से ज्यादा अंतिम रिपोर्ट्स, चार्जशीट्स, कैंसिलेशन एवं अनट्रेस्ड सभी संबंधित दस्तावेजों को कोर्ट्स के साथ ऑनलाइन साझा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को औसतन प्रति वर्ष मिलने वाली 7 लाख शिकायतें CCTNS प्लेटफॉर्म पर ही मॉनिटर करने के लिए अब इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके। इसमें नागरिक को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के बाद शिकायत की जानकारी के साथ साथ फीडबैक देने की भी सुविधा विकसित की जा रही है। थाने की आखिरी इकाई बीट ऑफिसर को भी ई बीट बुक के माध्यम से CCTNS डेटाबेस उपलब्ध कराकर सशक्त किया गया है और आगे इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ने की योजना भी बना ली गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए CCTNS सिटीजन पोर्टल को सीधे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से जोड़कर 29 नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की सरल वेरिफिकेशन प्रणाली से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। इसमें किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों के वेरिफिकेशन, FIR, गिरफ्तार लोगों की जानकारी, गुमशुदा व्यक्ति एवं बच्चों की जानकारी इत्यादि CCTNS डेटाबेस से सीधे प्रकाशित की जाती है, जिससे चोरीशुदा गाड़ियों एवं मोबाइल फोन की जानकारी प्रकाशित होने से आम नागरिक को यह सुविधा है कि वे पुराना फोन या वाहन खरीदते समय वेरिफाई कर सकें कि वह चोरीशुदा तो नहीं है। CCTNS सिटीजन सर्विस विस्तार योजना में नागरिकों द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त करके ऑनलाइन स्वीकृति पत्र जारी करने का कार्य प्रगति पर है। पिछले कुछ ही दिनों में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर थाने में 4 कंप्यूटर की संख्या बढ़ाकर 8 से 12 कर दी गई है और नेटवर्क कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इन सभी प्रयोजनों में काम करने के लिए 1300 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एंगेज करने में 33 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव MHA में विचाराधीन है। CCTNS प्रोजेक्ट में बनाए डेटा सेंटर के टेक्निकल रिफ्रेश की 42 करोड़ खर्च की योजना भी MHA में विचाराधीन है। दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए दिल्ली पुलिस हर समय प्रहरी की भांति खड़ी है।